हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और आज हमारे आश्रम में है मासिक हवन जो कि हर महीने होता है। बस उसी की तैयारी में हम सुबह से लगे पड़े थे। मतलब मेरे को तो अपना ही काम होता है, लेकिन सब लोग जितने भी पंडित लोग थे तो बस वही चला हुआ है। और आज गीता सेशन भी है, तो जिसके लिए मैंने अपनी बुक्स वगैरह निकाल के रख दिया है। और बस अभी स्टार्ट होएगा 9 बजे, तब तक हमने ऑलमोस्ट सारा काम करके रख दिया है। अभी बाकी देखेंगे अभी क्या होता है बाहर, क्योंकि देखो बाहर इतना ज़्यादा आप लोगों को पता ही काम चला हुआ है यहाँ पे पीछे बिल्डिंग मतलब किचन बनाने का, तो उसकी वजह से गीता सेशन तो नीचे होता था, मतलब नीचे बिठाते थे ये वो। अब पता नहीं क्या क्या करेंगे, देखेंगे बाहर जाके बस। और आज हवन भी है, नवरात्रों की पूजा भी है और गीता सेशन भी है, मतलब 3 दिन काम आज है। मतलब बहुत ज़्यादा बिजी है, 12-2 बजे तक बिजी होंगे, फिर उसके बाद हम वेले। अभी कर रही है हवन सामग्री की तैयारी नीचे, और वहाँ पे हवन होगा, यहाँ पे सीमेंट है, मतलब सारा उथल पुथल है यहाँ पे फिलहाल। तो अभी बज रहे हैं 12 बज गया और अभी बाहर आरती वगैरह हो रही है हवन, क्योंकि संपन्न हो गया है। और अभी तक मैं पढ़ रही थी, मेरे को लगा कि क्योंकि कल हमारा टेस्ट है, और क्योंकि फिर मेरे को ये वाला टाइम पीरियड थोड़ा सा पढ़ने के लिए हो जाएगा, और उसके बाद मेरे को शाम को फिर काम वगैरह करना पड़ता ना का ही। बस यही लिया मैं बाहर जा रही हूँ आरती के लिए, और उसके बाद बस और कुछ भी नहीं अभी फिलहाल के लिए। तो आरती बताती हूँ अगर बता पाऊँगी तो, ठीक है। गई थी मैं लेंटर के ऊपर, क्योंकि आज भी ब्रो कपड़े धोने के लिए कपड़े ख़त्म ही नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों आज फिर हो गए। इवन दो कपड़े वो धोने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ बस अभी इनको लेके जाती हूँ, तय वगैरह करके रख देती हूँ बस, और कुछ काम धाम है नहीं अभी। चलो अब जाके थोड़े से वेले जैसे हुए हैं, और अभी हम लगे चाय पीने। मैंने अपने इनके लिए बनाई है चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए एक्चुअली यार, थक कुछ काम किया नहीं बट फिर भी मेरे को इनके साथ चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत कम शम इकट्ठे चाय पीते, मतलब एकांत में शांति से, मतलब ऐसे सबके साथ तो सभी पीते, लेकिन हम दो। अभी बज रहे हैं रात के 7:30 और मैंने तो खाया, पौने आठ हो गए। ओह मेरी चाय उबल गई, चाय उबल गई, शुक्र है दूध दूध तो दूध था ना डाला हुआ ना। अभी बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि पंडित लोग हैं सारे चाय पियेंगे पहले फिर खाना खाएंगे। गाइस मस्त चाय बनाई है आज। अरे अभी बर्तन ही धुले जा रहे हैं, सुबह से शाम तक बर्तन धोते धोते हो जाती है, आजकल इतना काम है ना। आप खाना कौन बनाता हूँ मैं, वो लोग पूजा करते हैं, बाकी जो बाकी ये काम हो जाते हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा बड़ी हमको लौकी दी हुई है किसी ने, और ये काम आएगी व्रत वालों के खाने के लिए फलहार में। अभी हम लोग ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फ्री हो गए हैं, और बस थोड़े से बर्तन रह गए धोने के लिए, क्योंकि हमने जितना हमारे पास खाना बचा हुआ था हमने सारा बांट दिया। सुबह सभी लोगों का व्रत होता है, एक भैया ही खाते हैं खाना, तो वो तो जो भगवान जी को सुबह ताज़ा भोग लगेगा वही खा लेंगे। और एक चीज़ मैंने भी रियलाइज़ की, देखो पंडित लोग अपनी पूजा करके आराम, मतलब
अब आराम ही करेंगे और मैं और काकू भैया का काम ही खत्म नहीं, और अभी को किचन में सफाई का काम, इनके बर्तन खत्म नहीं हो रहे, मतलब इनको एक साइड का ही काम है, मतलब हमको सारा ही देखना पड़ता है ना भैया। हम लोग गाँव का सब हम लोग का नहीं काम ही करते, वो इतना काम है ना लिटरली 9 दिन। आज कितना नवरात्र होता है ना, अभी भी है 5 नवरात्र बाकी, भगवान सब तक और शक्ति दे काम करने की।